आजकल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस मनुष्य के शरीर में सांस के रास्ते फेफड़ों तक जाता है। फेफड़ों में यह सूजन कराता है, जिसकी वजह से कभी कभी पानी, कभी कभी बलगम जमा हो जाता है। फेफड़ों में पानी जमा होने से, बलगम जमा होने से सांस लेने की परेशानी होती है। हम आपको एक विधि बताएंगे जिसकी वजह से फेफड़ों में जमा हुआ बलगम बाहर आ सकता है और सांस लेने में आसानी हो सकती है। इस विधि को हम हफिंग टेक्निक कहते हैं। इस विधि में हाथ को कप की तरह बनाते हैं और फेफड़ों को अलग अलग जगह पर, जैसे यहाँ 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 पीछे के साइड में, एक सेकंड में 4 से 5 बार थपथपाते हैं। इससे क्या होता है, फेफड़ों में जमा हुआ बलगम ढीला पड़ जाता है और इसके बाद हम मरीज से कहते हैं कि वो आगे की तरफ झुककर खांसी करे, जिसकी वजह से फेफड़ों में जमा हुआ बलगम बाहर आ सकता है और इससे जो उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी बलगम की वजह से, पानी की वजह से, बलगम और पानी के निकलने की वजह से उनको सांस लेने में आसानी होती है। हम मरीज से कहते हैं कि वो आगे की तरफ झुककर खांसी करे, जिसकी वजह से फेफड़ों में जमा हुआ बलगम बाहर आ सकता है और इससे जो उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी बलगम की वजह से, पानी की वजह से, बलगम और पानी के निकलने की वजह से उनको सांस लेने में आसानी होती है। इससे क्या होता है, जो बलगम रात भर जमा था फेफड़ों में वो बाहर हो जाता है। इसलिए हम यह सलाह देते हैं, सुबह उठने के बाद इस विधि को, इस प्रक्रिया को जरूर करें। आइए हम आपको दिखाते हैं, हमारे डॉक्टर साहब करके दिखाएंगे कि इस तरीके को, इस विधि को किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले कप बनाएंगे, उसके बाद छाती के अलग अलग जगह पे थपथपाते हैं। इसके बाद हम मरीज से कहते हैं आगे की तरफ झुककर खांसे या कफ करें। इससे जो छाती में जमा हुआ कफ है वो बाहर निकल सकता है और जो सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जो तकलीफ हो रही थी, वो बलगम के निकलने से दूर हो सकती है। यह प्रक्रिया हम मरीज को बिठा के या लिटा के, दोनों तरीके से हम करते हैं। धन्यवाद।